हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉयलर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक का ऊपर। तो चलिए जान लेते हैं टॉपिक क्या है कि एक बॉयलर का ड्रम में जो सेफ्टी वाल्व रहता है, जनरली दो ठो सेफ्टी वाल्व रहता है, एक LHS और एक RHS में। तो यदि उनमें से कोई एक सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होगा, चाहे वो कोई भी कारण हो, यानी कि फुल ओपन होगा, ओके, तो उस कंडीशन में उस सेफ्टी वाल्व कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है, वो आप कैसे निकाल पाएंगे। यानी कि एक बॉयलर का ड्रम का सेफ्टी वाल्व, एक बॉयलर ड्रम का सेफ्टी वाल्व, चाहे वो कितना कैपेसिटी का भी बॉयलर हो, वो कितना अमाउंट का स्टीम ब्लो कर सकता है, वो आप कैसे इजीली निकाल पाएंगे। खाली आपको डाटा चाहिए क्या कि उसका MCR यानी कि मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग क्या है उस बॉयलर का। खाली वो चीज़ आपको पता होने से आप इजीली उसका स्टीम ब्लो करने का कैपेसिटी को निकाल पाएंगे। मेरा दो ठो पिछला वीडियो है जिसमें मैं बताया था कि एक बॉयलर का जो सुपर हीटर सेफ्टी वाल्व है वो कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है। यदि वो वीडियो कोई नहीं देखा है, जाके उसको देख सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है। उसके साथ साथ एक जो स्टार्टअप ब्रांड एक बॉयलर का, वो कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है, उसका ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, उसको भी जाके आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टअप ब्रांड बॉयलर का कितना अमाउंट का स्टीम ब्लो कर सकता है, आप कैसे उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बॉयलर का ड्रम में जो सेफ्टी वाल्व है वो कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है, कैसे आप उसको इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बॉयलर ड्रम का जो सेफ्टी वाल्व रहता है वो कितना अमाउंट का स्टीम ब्लो करेगा, उसको जानने के लिए एक छोटा सा थंब रूल को यूज किया जाता है। और थंब रूल क्या है ना, बॉयलर, मैं पहले आपको बोला था कि आपको क्या चाहिए, क्या डाटा आपको चाहिए इसको निकालने के लिए, खाली आपको बॉयलर का MCR चाहिए, हुआ। तो बॉयलर MCR इनटू 46% से लेके 48%, मतलब कि एक बॉयलर MCR का 46 से लेके 48, चाहे 46% हो सकता है या 48% हो सकता है, तो उसका MCR का 46% जितना होगा उतना अमाउंट का स्टीम को वो बॉयलर का ड्रम सेफ्टी वाल्व रिलीज करेगा, उतना अमाउंट का स्टीम को। ओके, समझ में आया। देखिए, मैं यहाँ पे 46 को कंसीडर कर रहा हूँ, 48 को अभी नहीं, थोड़ा देर में करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए 46 48 का बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है। जनरली क्या है ना, ये बॉयलर टू बॉयलर को लेके वेरी होता है। कोई कोई बॉयलर में 46% रहता है कि 46% अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है उसका MCR का, और कई कोई बॉयलर में क्या रहता है ना, बॉयलर का MCR जितना रहेगा उसका 48% अमाउंट का स्टीम को जो ड्रम का सेफ्टी वाल्व है वो ब्लो कर सकता है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ओके, तो बॉयलर का MCR आपको पता है, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटेड, यानी कि जो बॉयलर का मैक्सिमम कितना अमाउंट का स्टीम को जनरेट कर सकता है वो है। ओके, तो अभी एक एग्जांपल लेके हम लोगों कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा समझने के लिए। ओके, तो मान लीजिए MCR में ले रहा हूँ, एक बॉयलर का है 210 TPH। ओके, क्लियर हो गए। तो इसका 46%, इसका 46%
कितना होगा 210 इंटू 0.46, तो ये करीब हो जाएगा आपका 96.6 TPH, ओके। यानी कि ये बॉयलर का जो ड्रम सेफ्टी वाल्व है, यदि ऑपरेट हुआ तो ये एक घंटा में आपका 96.6 TPS का स्टीम को ब्लो कर सकता है। एक 210 एक घंटा में स्टीम जनरेट करने वाला बॉयलर का जो ड्रम सेफ्टी वाल्व है, ये 96.6 TPS का स्टीम को रिलीज कर सकता है। क्लियर हो गए? तो अभी हम लोगों ने जानेंगे, यदि ये 10 मिनट के लिए ऑपरेट हुआ तो कितना अमाउंट का स्टीम को ये रिलीज करेगा, ओके। तो एक मिनट के लिए यदि ये ऑपरेट हुआ तो कितना अमाउंट का स्टीम रिलीज करेगा, ना 96.6 डिवाइडेड बाय 60, ओके। तो कितना होगा ये 1.61 टन पर मिनट होगा। क्लियर हो गए? अच्छा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ओके। तो 10 मिनट के लिए यदि ऑपरेट हुआ तो कितना अमाउंट का स्टीम ब्लो करेगा, 10 मिनट इंटू 1.61, तो कितना होगा, 16.1 टन पर 10 मिनट, ओके। तो ये 16.1 टन का स्टीम को ब्लो करेगा 10 मिनट में, यदि ये 10 मिनट के लिए ऑपरेट हुआ। तो इसी तरह से एक बॉयलर का जो ड्रम सेफ्टी वाल्व है, कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है, इस थंब रूल को आप यूज़ करके निकाल पाएंगे। वो चाहे बॉयलर कितना भी कैपेसिटी का हो, डिफरेंट कैपेसिटी का बॉयलर अवेलेबल है, तो आप इस थंब रूल को यूज़ करके इजीली निकाल पाएंगे। तो आपका बॉयलर का भी आप निकाल पाएंगे कि आपका बॉयलर का जो ड्रम सेफ्टी वाल्व है वो कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली एक बॉयलर ड्रम सेफ्टी वाल्व कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।